पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा के जीवन बाग समदान पार्क एरिया में जो है आज सुबह ही एक हादसा हुआ है। दरअसल बता दें आपको कि 70 साल पुरानी एक बावड़ी यहां पर थी और ये बावड़ी देखेंगे आपकी जो है पूरी धस गई है। ये सुबह 5 बजे के आसपास के वक्त में ये भूस्खलन हुआ है। हालांकि इसके सामने देखेंगे आपकी बताई जा रही है कि ये एक मस्जिद है। हालांकि मस्जिद की जो थोड़ा सा नींव की दीवार है वहां तक ये मिट्टी जो है गिरी हुई है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद यहां पर जो है मनपा आपदा प्रबंधन की टीम भी यहां पर पहुंची थी और दमकल विभाग की टीम भी यहां पर पहुंची थी। दरअसल ये हादसा जो हुआ है यहां पर जो 70 साल पुरानी बावड़ी थी, स्थानीय लोग इसमें से पानी पीने का जो है इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन वक्त हालात बदल गए और इस बावड़ी को जो है ऊपर से स्लेब डालकर जो है बंद कर दिया गया था। आज सुबह जो है काफ़ी तेज बारिश हो रही थी और उसी दौरान जो है 5 बजे के आसपास में ये जो भूस्खलन हुआ, काफ़ी गहरा ये जो है बावड़ी था जिसमें ये भूस्खलन हुआ है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? असलम कुरैशी। ये 5 बजे के वक्त में जो भूस्खलन हुआ है और यहाँ पर बावड़ी थी, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये पुरानी बावड़ी थी और उसके हिसाब से वो अच्छी बावड़ी बनी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा बारिश गिरने की वजह से नीचे से वो ढह गई। ढह जाने से ऐसा हो गया कि वो बावड़ी का जो स्लैब वगैरह था, एंगल थे, ये सब दब गए। उसके अंदर एक एक्टिवा का बाइक भी ढह गई। एक्टिवा उसके ऊपर खड़ी थी? एक्टिवा ऊपर नहीं खड़ी थी, साइड में खड़ी थी। वो दीवार गिरने की वजह से एक्टिवा भी अंदर चले गए। तो ये ऐसा हादसा हो गया, सुबह 4:45 की बात है। तो मनपा और आपदा प्रबंधन की टीम यहाँ पर आई थी, तो क्या हुआ, एक्टिवा निकाला गया या नहीं? उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने पानी निकालने के लिए पंप वगैरह लगाए, सब किए, लेकिन वो कोशिश में नाकाम रहे। तो अभी दूसरा पंप वगैरह लाके बोले हम लोग काम करेंगे, ऐसे मनपा अधिकारियों ने कहा। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है बावड़ी के पास में ही जो है एक एक्टिवा गाड़ी खड़ी थी और सुबह 5 बजे का वक्त था, ज़्यादातर सभी लोग सो रहे थे। गनीमत ये थी कि इस यहाँ पर जो है बताया जा रहा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, सिर्फ एक एक्टिवा जो है इस बावड़ी के अंदर गई है, वो भी अभी निकाला नहीं गया है। आपका क्या नाम है? सिराज शेख। ये जिस तरह से हादसा पूरा हुआ, आप पीछे मस्जिद भी देख रहे हैं, मस्जिद के जो साइड की जो वो है दीवार, वहाँ से भी मिट्टी खसक गई है। हाँ, वो सुबह सुबह जब हुआ तो उसका स्लैब जो साइड वहाँ था वो सरक गया, तो इससे अब थोड़ी मिट्टी सरक गई है। टीएमसी वाले काम करने की कोशिश में है, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग दूसरा पंप ला के इसका पानी खाली करेंगे और इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन मतलब क्या किया जाएगा? बावड़ी को बंद किया जाएगा या तो फिर भरनी करके बंद करेंगे, क्या बोलो? वो लोग बना के बावड़ी को चालू रखेंगे, वो बंद नहीं कर सकते। हाँ, आसपास की जो इमारतें हैं ये सब उसमें लोग हैं, खाली कराया गया है या नहीं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, खाली वगैरह कुछ नहीं करा, नई बिल्डिंग है, सब मजबूत है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं। बावड़ी एक साइट में थी और वो साइट के हिसाब से वो काम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने सुना कि ऐसे जैसे कि जो स्थानीय निवासी हैं यहीं के रहने वाले हैं, ये इनका साफ कहना है कि मनपा ने कहा है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसका जो है जल्द काम पूरा करके इसे दुरुस्त करने की बात भी की है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो सुबह 5 बजे के वक्त ये हादसा हुआ और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं हुई। हालांकि एक एक्टिवा जो है यहाँ पर साइड में खड़ी हुई थी, वो एक्टिवा जो है इस बावड़ी में गिर गई है अंदर, अभी तक वो एक्टिवा जो है बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन मनपा ने साफ तौर पर कहा है कि इस बावड़ी को दुरुस्त कर दिया जाएगा।